हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एक और नए अपडेट के बारे में जानेंगे। सेबी कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स ला रही है आजकल इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए, और वो कैसी सेफ्टी है आप सभी जानते हैं। तो सेबी नया कॉन्सेप्ट लाई है T+1 सेटलमेंट साइकिल का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है T+1 सेटलमेंट सिस्टम, कैसे ये काम करता है और कैसे ये हेल्प कर सकता है इन्वेस्टर्स को सेबी के हिसाब से। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, 7 सितंबर को सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि वो जल्द ही T+1 फैसिलिटी अलाउ करने वाला है स्टॉक एक्सचेंजेस को T+2 सेटलमेंट की जगह। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये T+1 सेटलमेंट होता क्या है। दोस्तों, T+1 सेटलमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई स्टॉक मंडे को बाय किया है तो वो आपको नेक्स्ट डे ट्यूजडे को ही मिल जाएगा, यानी कि टी मतलब ट्रेडिंग डे, N+1 मतलब नेक्स्ट डे। इससे पहले T+2 सेटलमेंट साइकिल थी, जिसमें अगर आप मंडे को शेयर्स बाय करते थे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में वेडनेसडे को आते थे। तो इससे एक दिन कम हो गया है आपके स्टॉक सेटलमेंट साइकिल में। और सेबी का ऐसा कहना है कि अभी ये T+1 सेटलमेंट का जो सिस्टम है अभी 6 मंथ्स के लिए ट्रायल के लिए लाएगी। अगर इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इसको हमेशा के लिए कर दिया जाएगा। दोस्तों, स्टॉक सेटलमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो 1992 से पहले स्टॉक्स के सेटलमेंट में 2 to 5 मंथ्स लगते थे, यानी अगर आपने मंडे को स्टॉक बाय किया है तो वो 2 मंथ बाद 5 मंथ बाद आपके डीमैट अकाउंट में आता था। बट 1992 के बाद जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तभी से कई चेंजेस आने शुरू हुए हैं स्टॉक मार्केट में, और 1992 में सेबी ने महीनों के ट्रेड सेटलमेंट को कम करके 14 डेज कर दिया। April 2002 में ट्रेड सेटलमेंट को कम करके T+3 डेज कर दिया गया, और बाद में April 2003 में यानी कि अगले ही साल T+2 साइकिल्स इंट्रोड्यूस की गई, और अभी 2021 में सेबी T+1 सेटलमेंट साइकिल लाना चाहती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि अब T+1 सेटलमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों, T+1 सेटलमेंट के बाद लोगों को जल्द ही अपने पैसे मिल जाएंगे। जहां लोगों को 3 दिन लगते थे वहां दूसरे दिन आपको पैसे मिल जाएंगे, और जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसका 50% बर्डन कम हो जाएगा, से जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो और एफिशिएंटली काम कर पाएगी। दोस्तों, इससे पहले T+2 सेटलमेंट में ऐसा होता था कि अगर आपने ट्यूजडे को शेयर सेल किए हैं तो ब्रोकर के पास पैसे थर्सडे तक आ जाते थे, पर आप उसको विड्रॉ फ्राइडे को कर पाते थे। बट T+1 सेटलमेंट के बाद अब आपको 4 दिन की बजाय 3रे दिन आप अपने पैसों को विड्रॉ कर पाएंगे शेयर सेल करने के बाद। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इस सेबी के रूल से क्यों दिक्कत हो रही है। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने ऑपरेशनल इशूज के बारे में बताया जो उन्हें फेस करनी पड़ती है डिफरेंट ज्योग्राफी और डिफरेंट टाइम जोन्स में ऑपरेट करने की वजह से। इसके साथ साथ उन्हें USD INR के रेट्स पर भी नज़र रखनी होती है। इन्हीं सभी इशूज को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेबी के पास रखा है। आइए अब जानते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है T+1 सेटलमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, February 2021 में US डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन यानी USDTCC ने T+1 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया है और उसके कई बेनिफिट्स भी बताए हैं। उनका कहना है कि T+1 सेटलमेंट की वजह से कॉस्ट की सेविंग होगी और रिस्क भी कम होगा, अनसेटलमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा और लोगों को इजीली फंड अवेलेबल होगा। यही सारे बेनिफिट्स बताए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस सेबी के सर्कुलर से। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सेबी के एक नए अपडेट के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।